तो जो हम होमवर्क करने दिया था कोई किया? भैया आई हैव माय एक्सप्लेनेशन। 6, 7, 8 या 5, 6, 7 दिया होगा हम करने, किया कोई? हाँ या ना? हेलो हेलो, अब सबका जवाब क्यों बंद हो गया? हेलो, हेलो भैया, किया किया होमवर्क आदित्य? बताओ नहीं सर, क्यों, भूल गया। ऐसे कैसे चलेगा? तुमको कैसे पता चलेगा तुम्हारा कितना चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? होमवर्क तो करो, तुम दो ही तो क्वेश्चन दिया था, और कितना दिया था बताओ? तुम लोग मान रहे हो, तुम लोग जेई नीट करा, इसलिए हम ज़्यादा बर्डन भी नहीं डाल रहा मैथ्स पे तुम लोग का सर ऊपर। कब होमवर्क दिया था? लास्ट क्लास ही बोला था हम। सर लास्ट क्लास हम किए नहीं था। ओह अच्छा, हम 5, 6, 7 होमवर्क दिया था, तो ट्राई करना। ओके, ऑब्वियसली हम लोग एग्जाम्पल में किया हुआ है। सर अरे यार, एक तो ये, हाँ 5, 6, 7 किया हुआ हम लोग, एग्जाम्पल में भी किया हुआ है, तो ये होमवर्क करना। इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, DDX ऑफ V/U रूल, ठीक है? ये सेम रूल हाँ नंबर सर 8 में भी लगेगा और 9 में भी लगाएगा लगेगा। तो हम नंबर 8 कर देगा, 9 तुम लोग का ऊपर है, ठीक है? ओके डन। नंबर 8 देखो क्या बोला, AX+B, नंबर 8 ना। तो हम लोगों को निकालना है DDX ऑफ AX+B बाई PX²+QX+R। तो V बाई रूल, यू रूल का हिसाब से क्या होगा, नीचे V स्क्वायर आता है, आया ना? नीचे V स्क्वायर मतलब ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, V इंटू DUDX, मतलब V इंटू V मतलब ये PX²+QX प्लस आर इंटू यू का डिफरेंशिएशन, मतलब AX+B डैश, तुम डैश भी लिख सकते हो और DDX भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, माइनस यू इंटू वी का डैश मतलब वी का डिफरेंशिएशन, मतलब PX²+QX+R डैश, कोई डाउट चेक करो, ठीक है? व्योम, हेलो व्योम, कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है ना व्योम? अब देखो क्या लिखेगा बताओ डिफरेंशिएशन में, PX²+QX+R मल्टीप्लाइड बाई, ये बनेगा सिर्फ ए, कैसे बनेगा आई होप तुम लोग समझ रहे, डिफरेंशिएट कर दिया। और ये क्या बनेगा बताओ व्योम, PX²+QX+R का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बताओ? आवाज नहीं आ रहा व्योम, हेलो व्योम हाँ बोलो क्या बनेगा, PX²+QX+R डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? आदित्य बता दो, भैया, क्या बनेगा? नो आइडिया। क्या नो आइडिया, PX²+QX+R इसको डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा? अरे भैया कल बताए तो आज दिमाग काम नहीं कर रहा, स्कूल पी का पी काम ऐसा कर दिया ना। अरे कांस्टेंट है, पी बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x नहीं होता है? रुको पहले मेरा बात सुनो। क्यू कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और आर कांस्टेंट है, इसका भैया डिफरेंशिएशन 0, हेलो तो बचेगा 2PX+Q। हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं हम लोग का स्कूल वाला हाँ आज स्कूल गया ना, हाँ पहले तो मुझे एकदम भर भर के होमवर्क दे दिया कि कल संडे है। हाँ फिर ना जब निकल रहा था, निकलने में 10-15 मिनट बाकी था, तो अनाउंसमेंट करता है कि संडे को पुजारी की कल स्कूल खुला देती है और होमवर्क सारा पहले सबमिट करना है। अच्छा,
तो वो तो कर लेना, ऑनेस्टली उसमें बोले इस तो मुझे डिफरेंशिएशन का क्या दोष है? नहीं, ऑनेस्टली बोले तो मुझे होमवर्क करने में ही लग रहा है। ये तो बेसिक फॉर्मूला ही लगा है डायरेक्टली, पी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। उसकी तरफ देखा ही नहीं, हम वो पढ़ रहा था अपना, अगर सच बताए तो। भाई ऐसा हमको झटका मत देना, अगर तुम बोलेगा तुमको 20 का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, अरे नहीं भैया, यहाँ पे लोग 150 क्वेश्चन दे दिया, अब हम क्या कर रहे हैं? वो देने दो, उसमें क्या है, उसके लिए क्या तुम फॉर्मूला भूल जाएगा क्या? हम देखा ही नहीं स्क्रीन की तरफ, हम नीचे लिखे जा रहा था अपना फिजिक्स। अब फिजिक्स का लॉजिकली मतलब यही होता है आंसर है, ऑपोजिट। मल्टीप्लाई करके तुमको कुछ करना तो कर सकता अच्छा भैया, ऐसा पर स्क्रीन दिख नहीं रहा। क्या बनेगा एपी। अच्छा किसी को इंसेंट, वो स्क्रीन इतना टाइम शेयर ही नहीं हुआ। पता नहीं, हम देखा बोला ना, देखा ही नहीं, हम अभी देखा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ट्वाइस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ट्वाइस पी बी एक्स। इसलिए तो आपको बोला था कि आज थोड़ा टाइम पे कर देना, तो पता माइनस बी आपके क्यू, आज के अब बाद हम पकड़ लेगा, पर फिर सोचा नहीं, करना ही पड़ेगा अभी। देखो ए क्यू एक्स कैंसिल हो गया, जो बचा वही आंसर है, खत्म। माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी बी एक्स प्लस ए आर माइनस बी क्यू बाई जो भी, ये होल स्क्वायर है, खत्म। ठीक है नंबर 9 में जाएं हम? 9 खुद से कर लेना, सेम है। ये मेरे गलत हुए थे तो देखो, अभी तक खराब लग रहे हैं। वो छोड़ो अभी, वो गलत हुआ हुआ। अब नंबर 10 देखो, बताओ क्या करेगा, वो कैसे छोड़ सकता है, संडे को कौन स्कूल देता है? सब देता है। नंबर 10 कैसे करेगा बताओ, भैया बुक का स्क्रीनशॉट करूंगा पीछे। कर दिया, देखो बताओ क्या करेगा नंबर 10। डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट, हाँ वो तो हमको मालूम है, कैसे है, क्या फॉर्मूला लगेगा? ये पहले ए तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। हाँ 1/x^4 मतलब क्या, x^-4। हाँ, और फिर ऊपर सिमिलरली की वो प्लेस पे माइनस x^-2 साइन ले है, लेते तो हैं। हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा x^n का। हाँ और कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। हाँ तो बस वही लगाना है, देखो यहीं पे दिखा देते हैं, डी डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, ए बाहर आएगा, इसका क्या बनेगा, अच्छा माइनस फोर वन एक्स एक्स पावर पावर माइनस फोर माइनस वन, ये तो बनेगा। माइनस फाइव। हाँ बी टू माइनस टू बाहर आया तो एक्स पावर माइनस टू माइनस वन, और पहले प्लस मैंने कॉस था एक्स इसके का बाद डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम? तो नहीं। ये क्या बन गया, माइनस फोर बाई एक्स पावर फाइव माइनस फोर बाय प्लस एक्स पावर फाइव। 4a बाय, हाँ हाँ, प्लस 2b बाई एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, चेक करो यही आंसर है, नहीं को डाउट नहीं पक्का उतार लो। नंबर 11 भी सेम है, देखो टी डी एक्स ऑफ, नंबर ले तो, और ये करो, ये 4x 1/2 हो जाएगा हाँ 4x^2 माइनस और टू, माइनस टू, तो तो पहले टू फोर ऐसे ही कांस्टेंट है कर बाहर जाते हैं आया, वैसे ही। हाँ, हाफ फोर बाहर बाहर आ आया और गया x^(n-1) मतलब हाफ माइनस वन, माइनस हाफ माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, जीरो। हाँ तो ये क्या बनेगा, टू इंटू हाँ टू टू हो जाएगा ना, टू टू एक्स पावर माइनस एक्स हाफ माइनस हाफ। हाँ मतलब 2/2x। देख लो हाँ कोई डाउट, क्लियर? नहीं। हाँ अब नंबर 12 बताओ क्या करेगा। नंबर 12, ax+b टू द पावर n। तो इसमें n बाहर के लिए आएगा, अगर पहले अलग पावर वाला लगा के पहले n ax+bn-1। नहीं, वैसे तो नहीं होगा, क्या करना है इसमें? और उसका आया, आने वाला था क्या वो? आने वाला तो था शायद, बोला ना करेगा। वो तो मैं बोला उसका टेस्ट है कल। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम देखो
बताओ क्या करेगा? भैया थोड़ा सा कुछ स्टार्टिंग का हिंट दे दो, बाद काम बता देगा। भैया स्टार्टिंग का थोड़ा सा हिंट दे दो, बाद में बता देगा। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाएगा तो पावर एन का तो फॉर्मूला मालूम है तुमको, तो नहीं इसमें हाँ, तो मैं फिर वैसे भी मालूम है एन, और वो एन माइनस वन हो जाता है। वही AX प्लस बी पावर एन, एन इसका फॉर्मूला पता है? नहीं तो ऑब्वियसली नहीं पता, और पता भी हो तो बहुत लंबा जाएगा ना, ऑब्वियस बात है। हाँ और डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, हाँ तो हम लोग क्या लगाएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल, वही एक ऑप्शन है, ठीक है? हाँ तो लगाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या आता दिखता है। ये आप करो, 1 मिनट में पानी लेकर आते हैं, 1 मिनट भी लगेगा आप करो, 1 मिनट ले में आओ, कोई करते हैं। बात नहीं। I'm back. ठीक है, तुम चाहे तो डायरेक्ट ब्रेक। क्या हाँ, आप क्या शेयर क्या कहते हैं, बुक या फिर वो बुक बोर्ड? बुक बुक। ओके ठीक तुम्हें ये फॉर्मूला मालूम है, ये मिला है ऐसे, 1 प्लस x पावर n, 1 प्लस nc1x प्लस nc2x2 प्लस nc3x3, ये मिला है, कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला मिला है क्या 1 प्लस x पावर n का? नहीं, अभी तक बाइनोमियल थ्योरम हुआ है, बाइनोमियल वाला चैप्टर कहीं पे नहीं भी? नहीं 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 ओके, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? कॉम्बिनेशन में भी ऐसा नहीं क्यों कुछ होता है फॉर्मूला। हाँ, NC1 कम्बिनेशन है, पर बाइनोमियल थ्योरम ब्रेक करने में भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा ये कॉम्बिनेशन में देखा हो तो लगा था ये स्टार्ट किएंगे। हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा अब तो देखो, अपने लोग इससे करेगा या फर्स्ट प्रिंसिपल से करेगा? फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करेगा तो आई थिंक फॉर्मूला ब्रेक करना ही पड़ेगा शायद, अच्छा हम वही देख रहा आज स्वयं भी नहीं आया क्लास में, था। कौन नहीं आया? स्वयं ना, नहीं आया। वो कंफर्म हो जाने दो, नहीं रुको। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है, नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा क्लास, सुनने का खराब नहीं लगेगा, काट देना। कोई किसको क्या खराब लगेगा? अब क्या बोला? देखो, पहले हमको सोच लेने दो क्या करेगा इसमें। अब डायरेक्ट फॉर्मूला 12 वाला लगाएगा तो दो लाइन में आंसर है, एन इनटू ए एक्स मुझे प्लस लगा बी पावर फॉर्मूला एन मेरे माइनस को वन डिराइव पास हो। एन ए। पर लिमिट अगर फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करते हैं हम लोग, चलो कर लेता फॉर्मूला, चलो फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करता, ठीक है? चलो, तो लेट एफ एक्स इक्वल क्या मानेगा, भैया शेयर ए एक्स प्लस बी पावर एन मान सकता है, ये तो है। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, कोई प्रॉब्लम है ना? लिमिट एच टेंस टू जीरो, 1/h बाहर आया। आप देखो, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ए एक्स प्लस एच प्लस बी पावर एन, ये तो होगा माइनस ए एक्स प्लस बी पावर एन, चेक करो, ये होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े।
आगे बढ़े। हेलो, हेलो। हाँ तो ये बनेगा ना। अब इसको ब्रेक करेगा तो क्या लिख सकता है? ए एक्स प्लस एच लिख सकेगा। एक्स प्लस अब देखो, अब यहाँ पे देखो, एच। ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच। हाँ, हम अगर हम ऐसे लेते हैं एक्स प्लस वाई, यहां से अगर हम एक्स कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? वन प्लस वाई बाई एक्स बचेगा। चेक करो, एक्स प्लस वाई से अगर हम एक्स कॉमन लेता है क्या बचेगा? वन प्लस वाई बाई एच। एग्री करता हाँ है? वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेगा, ए एक्स प्लस बी कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? वन प्लस ए एच बाई ए एक्स प्लस बी। एग्रीड? हाँ ठीक है ना। हाँ और सिंस पावर एन था तो यहाँ भी पावर एन और यहाँ भी पावर एन हो गई। डन, समझ गया क्या किया? ठीक है ना, तो बस वही यहाँ पे करने वाला हम। तुम डायरेक्ट लिखिएगा, देखना, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाई एच। दो बार एच आ गया गलती से। ए एक्स प्लस बी पावर एन बाहर लिया तो अंदर बचेगा वन प्लस एच बाई ए एक्स प्लस बी होल पावर एन, और माइनस देखो ए एक्स प्लस बी पावर एन। और अब तुम देख सकते हो बाहर कॉमन आ सकता है ये पूरा का पूरा, है ना? आ सकता है। एंड सिंस ए एक्स प्लस बी ये कांस्टेंट है, यहाँ पे एच है ही नहीं, तो ये लिमिट का बाहर आ जाएगा। ए एक्स प्लस बी पावर एन लिमिट का बाहर आया, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाई एच। क्या बचेगा? वन प्लस ए एच बाई ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन। चेक करो, ये ही है। अब बस अभी हम जो फॉर्मूला बताया उसमें ब्रेक कर दो, और कुछ नहीं। हम जो फॉर्मूला बताया उसमें ब्रेक करना है, आंसर आ जाएगा। चेक करो क्या लिखेगा। वन प्लस एन सी वन एक्स, एक्स का जगह ए एच बाई ए एक्स प्लस बी ए, प्लस एन सी टू बाई इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये डॉट 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 जाते रहेगा, ठीक है? प्लस जो भी लास्ट में उसको छोड़ो, और माइनस वन बचेगा, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? अब तुम एक चीज देखो, ये वन और ये माइनस वन कट गया है ना, कटेगा? हेलो, कटेगा नहीं म्यूट कटेगा? करके बोल रहा था। हाँ म्यूट करके अब बोल रहा तुम लोग था। एच एच डिवाइड कर देता, क्या ये एच और ये एच कटेगा, है ना? हाँ तो इसमें क्या बचेगा? सिंपली एन सी वन ए बाई ए एक्स प्लस बी, प्लस यहाँ एच स्क्वायर है, एक एच और एक एच कटेगा तो भी क्या बचेगा? एन सी टू ए स्क्वायर एच बाई ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, सिमिलरली सब में एच वाला टर्म रहेगा ही, हाँ या ना? क्योंकि नेक्स्ट वाला एच, म्यूट नेक्स्ट में एच तो म्यूट ऑन रखो, नेक्स्ट में एच क्यूब होता है ऑन तो वो एच वाला टर्म रह जाएगा। अब लिमिट हटा दो तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया, बिकॉज एच है इसमें, है ना? ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है? करते तो क्या बचेगा? एन सी वन का वैल्यू एन होता है, तुम लोगों को पता चलेगा बाद में, अभी मान के चलो। एन सी वन का वैल्यू एन होता है, और यहाँ पे जब एच, यहाँ तो एच बैठेगा ही नहीं, क्या रहेगा? ए बाई ए एक्स प्लस बी। तो ये बन गया एन ए ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन, बिकॉज डिवाइड में पावर माइनस होता है, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। चेक करो, यही फाइनल आंसर ठीक है? एक बार देख लो, कोई डाउट है तो उतार लो। इसको उतार लो एक बार, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आसान होगा। देख लो एक बार, गुड आउट। ये मिसिंग लिंक्स में कितना क्वेश्चन हो रहा है? हाँ 30 है, टोटल 30 क्वेश्चन है टोटल, 20 है। 30। 30
आपने पूछ इसलिए तो रहा कुछ इतनी कुछ देर में होमवर्क दे रहा है तुम क्या। लोगों, हाँ इसलिए तो कुछ कुछ होमवर्क दे रहा है। अब नेक्स्ट नंबर 13 में जाता, देखो 13 भी सेम ही है। क्या दिया हुआ 13 में देखो, हम बताता टी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी पावर एन, ये दिया हुआ है। अगर यू वी रूल लगाएगा तो नीचे क्या बनेगा, सॉरी नीचे आएगा क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी पावर एन इंटू डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी पावर एन प्लस सी एक्स प्लस डी पावर एन इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर एन, ये बनेगा। चेक करो एक बार, ठीक है, कोई डाउट किसी को। फिर मान लेना लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और अलग अलग ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि ये और ये निकालो। कैसे निकालेगा भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल तो ऑलरेडी भी हम निकाल के दिखा चुका क्वेश्चन 12 में, क्या निकला था एफ डैश एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एन ए ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन। फिर जी एक्स के लिए करने का जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देना बिकॉज सेम पैटर्न है। जी एक्स के लिए सिमिलरली लिखना एन सी सी एक्स प्लस डी पावर एन माइनस वन, कोई डाउट चेक करो और इसको यहाँ बैठा देना, आंसर आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर है बैठाने के बाद। तो ये तुम लोग खुद से करना, हम बस बता दिया। तो तुम लोग को भाई फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है, पर हमको नहीं लगता ये एग्जाम में डालेगा कोई भी टीचर, ठीक है। ओके हाँ अच्छा, साइन एक्स प्लस ए, ये हम लोग एग्जाम्पल में किया है, हाँ किया किया था भाई। एक साइन ए प्लस बी का बार। फॉर्मूला में ब्रेक कर देना और डायरेक्ट डिफरेंशिएट है, ठीक है। हाँ फिर भी मैं एक बार हिंट का हिसाब से दिखा देता ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा भैया अब जो टेस्ट लेगा, दो तारीख के बाद लेगा बोला ना, नहीं, क्या क्या लेगा उसमें चैप्टर वो देख ट्रिगो लेगा और तुम लोग। त्रिकोण कॉम्प्लेक्स ले लेगा, लेना तो ये बनेगा साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए बनेगा। फिर जब डी डी एक्स लेगा, हाँ डी डी एक्स के हिसाब से पहला वाला में कांस्टेंट कौन है, पहला वाला में कॉन्स्टेंट है कॉस ए, आपका कॉस ए और दूसरा वाला में साइन ए। और तो कॉस ए बाहर निकल गया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स ही तो होता हाँ है प्लस। अब साइन ए बाहर आ जाएगा और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स, ये क्या बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या हो गया, कॉस ए प्लस भी नहीं हुआ, कॉस ए प्लस खत्म। कॉस ए प्लस भी। हाँ कोई साइन एक्स ठीक है, कोई डाउट नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट। इसमें तुम यूवी रूल लगा देना बिकॉज कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन और कॉट का डिफरेंशिएशन निकाला हुआ है। हाँ अगर उसमें प्रॉब्लम होता तो काम करना, ये क्या बनेगा, वन बाय साइन इंटू कॉस बाय नहीं साइन, यूवी तो हो जाएगा, ये यूवी से नॉर्मली हो जाएगा। हाँ तो यूवी से कर लेना सीधा। ये भी हम लोग एग्जाम्पल में किया है या नहीं किया, ये बताओ किया है। हाँ ये तो सेम था। कहाँ किया, हमको याद क्यों नहीं आ रहा हाँ तो सही, आप एग्जांपल में जो भी है ना कभी कर रहा था साफ जी वो याद आ रहा है। है, हमको भी याद किया था। चलो फिर भी दिखा देता हूँ, कोई स्टार्टिंग में ही होगा। बात नहीं, जितना टाइम हम ढूंढने में लगाएगा उतना में सॉल्व हो जाएगा। देखो वी बाई यू रूल लगाएगा, ठीक हाँ है, तो डी डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, नीचे क्या आएगा, वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोई प्रॉब्लम, नहीं माइनस कॉस एक्स इंटू वन प्लस, हम साइन को एक बार एस लिख रहे हैं, का डिफरेंशिएशन, वन प्लस साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, माइनस कॉस इंटू वन प्लस साइन का डिफरेंशिएशन सिंपली कॉस, और नीचे वन प्लस साइन होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा, वन सॉरी साइन माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर,
बाय वन प्लस साइन होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस। अब देखो साइन माइनस कॉमन लेगा तो अंदर क्या बचेगा बताओ? माइनस कॉमन लेने से आपका वो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन। अरे यहाँ पे कॉमन लो सिंपली ये। अच्छा तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, पर इसका वैल्यू तो वन होता ना। हाँ आ गया आंसर, देखो यही आंसर है। ठीक है, हाँ गुड आउट, नहीं चलो आगे बढ़ता है नंबर 17 में आओ। सेम कहानी, वी बाई यू लगाना है तुम लोगों, ये सब में सेम है, तुम लोग वी बाई यू ही लगाना है। कर लेगा या आपको बताना है? 19 का वाला था, नहीं ये सब हो जाएगा 19 पे था ना। 17 वी बाई यू, 18 वी बाई यू, 20 वी बाई यू, 21 को ब्रेक कर देना वी बाई यू, ये भी डायरेक्टली यू वी रूल है, ये भी यू वी रूल है, ये भी यू वी है, नेक्स्ट पे ये भी यू वी रूल ही ले। चलो ये फिर मैं बता देगा, तो 17 18 20 21 हम नहीं करवाएगा, ये तुम लोग देखना नहीं सकने से हमको बोलना, ठीक है? हाँ अब बताओ साइन पावर एन एक्स क्या करेगा, पता नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, सोचो। इसमें तो एन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, ये माइनस साइन था ना, यहाँ माइनस साइन बचेगा रे, ये माइनस साइन, तो माइनस कॉमन लेगा तो वन प्लस साइन बाय वन प्लस साइन होल स्क्वायर, एक और कट गया तो कहाँ माइनस से वन बाय किया वन प्लस आपने, साइन। ठीक है, आपने कहाँ से हिट किया ये अचानक से? अचानक ध्यान दिमाग में आ गया, मतलब हमको लगा था माइनस था, माइनस हम बिठाया नहीं बिठाया, ध्यान में आया एकदम, पीछे करके देखा। ठीक है, गुड आउट। नहीं अब बताओ साइन पावर एन एक्स का क्या कर सकता है? ये पावर है, हमने तो क्या कर सकते हैं, उसको बाहर एन बाई टू करके तो नहीं ला पाएंगे, एन बाई टू करके लगेगा, हाँ नहीं, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन पावर एन एक्स, बताओ। कहाँ लिख रहा भैया, नहीं, अच्छा लो अब बताओ, ये फर्स्ट रूल से आएगा साइन पावर हाँ एन, फर्स्ट रूल से भी नहीं आएगा, नहीं तो पता नहीं समझ नहीं आ इसको रहा, तो जनरलाइज बात फॉर्म लेगा हम लोग। चलो ठीक है, कैसे लेगा बताते हैं। लेट एन इक्वल टू वन, हम इसको ऐसे नाम देते हैं एफ एन एक्स, ठीक है? क्या कर क्या तो बताओ एफ वन एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, हाँ सो एफ वन एक्स डैश क्या होगा, कॉस एक्स, कोई प्रॉब्लम? हाँ अब नहीं देखना फॉर एन इक्वल टू टू बताओ, साइंस एफ टू एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, बट साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, बस अब लगा दो यूवी रूल, तो क्या होगा, हम साइन को ऐसे डिनोट, एस इंटू साइन एक्स डैक्स प्लस साइन इंटू साइन, ये तो आएगा और क्या आएगा, समझ रहे ना, साइन इंटू कॉस प्लस साइन इंटू कॉस कितना आएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, कोई प्रॉब्लम? नहीं पक्का? हाँ अभी कोई एन इक्वल टू थ्री के लिए जाता है तुमको फिर पैटर्न मिल जाएगा, देखना एफ थ्री एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, ऑब्वियसली इसको क्या लिखेगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर, एफ थ्री डैश एक्स क्या बनेगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो तुम निकाल चुके ऑलरेडी,
प्लस साइन स्क्वायर इंटू साइन का डिफरेंशिएशन, कोई प्रॉब्लम? नहीं। क्या बनेगा देखो, साइन इंटू टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तुम देखिएगा थ्री साइन स्क्वायर कॉस बना, आया ना, बना क्या पैटर्न नजर आ रहा है? ये n यहाँ n वन और वहां पे n टू है, हाँ यहाँ पे n और वहां n माइनस वन हो रहा है, फिर कॉस लग रहा है। हाँ मतलब देखो पैटर्न अगर तुम ऑब्जर्व करेगा, ये बन रहा है बाहर n है कहाँ गया, अंदर n माइनस वन है। तुम देखो यहाँ था थ्री साइन स्क्वायर कॉस, यहाँ था टू साइन कॉस, और पहला वाला था सिंपली कॉस है ना, हाँ तो ये कॉस 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 फिक्स्ड है, हाँ और ना साइन ये वन टू थ्री, और तुम देख सकते हो साइन का पावर बढ़ रहा है ना। हाँ साइन का n, तो जो n नेक्स्ट माइनस वाला वन आएगा, और नेक्स्ट वाला बाहर कुछ है। ऐसा आना चाहिए, फोर साइन क्यूब कॉस, हाँ फिर फाइव साइन पावर कॉस, समझ रहा है? हाँ तो ये हो जाएगा n तो n एन इक्वल टू साइन n के माइनस लिए वन क्या कॉस बनेगा? k के s k माइनस वन साइन पावर के माइनस वन कॉस, कोई प्रॉब्लम? तो कॉस। बस, पर हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिखाना पड़ेगा, समझ रहा है? सो फोर एन इक्वल टू के लेट एफ डैश के एक्स बी के साइन पावर के माइनस वन कॉस, समझ गया? और हम लोग क्या ट्रू दिखाएगा, के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, याद है हम पीएमआई करवाया था, ठीक नहीं। है? हम लोग को बस यहाँ पे जनरल पैटर्न पता लगाना पड़ा, अच्छा लेट इट बी ट्रू, अच्छा सॉरी ये तो लेट मान लेना, अब हमको दिखाना है एफ डेस के प्लस वन बी ट्रू, तो हम पहले एफ डेस के प्लस वन निकालेगा, ठीक है? इक्वल टू क्या बनेगा, के प्लस वन, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, गलत लिख रहे, ठीक है? देयरफॉर एफ डैश के प्लस वन क्या होगा बताइए, ये बनेगा साइन पावर के प्लस वन एक्स, ये तो बनेगा है ना, देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकता है, एफ डैश नहीं है ये, साइन पावर के एक्स डॉट साइन एक्स लिख सकता है इसको, चेक करो, लिख सकता है? अब एफ डैश निकालेगा इसमें, तो क्या बनेगा, साइन पावर के एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स इंटू ये पावर वाला का डिफरेंशिएशन, ये बन जाएगा साइन पावर के एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स इंटू साइन पावर के एक्स डॉट साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम? डॉट साइन क्या, सॉरी डॉट कॉस एक्स हम गलत लिखा, ये बनेगा के इंटू साइन पावर के माइनस वन एक्स डॉट कॉस एक्स, चेक करो, कोई प्रॉब्लम बनेगा? नहीं, नहीं। अब देखो व्हाट इज साइन एक्स इंटू साइन पावर के माइनस वन एक्स, क्या बनेगा, के पावर साइन पावर के एक्स डॉट कॉस एक्स, ये तो बनेगा, और ये साइन पावर के एक्स कॉस एक्स, अब ये कॉमन आ रहा है तो अंदर में के प्लस वन बचेगा, देखो कॉमन लेने पे हैंस आ चुका तुम्हारा, सो इट इज ट्रू फॉर और के, कोई डाउट? बाहर के था तो पावर में के माइनस वन, बाहर के प्लस है तो पावर में के आ गया, सो ये मिल गया, देयरफॉर बाय पीएमआई फुल फॉर्म लिखना, इट इज ट्रू फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डन? वो क्लास में खाली हम ही है अभी, आदित्य कहाँ गया, तुम पता नहीं। देख रहे हो, तुम बताओ, देख लो कोई डाउट इसमें, नहीं। ठीक है? हाँ हमको तो लग रहा हम बेकार ही करवा रहे, क्योंकि श्योर है ये एग्जाम में नहीं आएगा, मिसलिनियस क्या? ये वाला मिशनरी आएगा, ये वाला शायद ही देगा कोई एग्जाम में, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शेयर। फटाफट खत्म करता है।
2021 खुद से करना, 22 भी यूवी रूल है सीधा, शेयर तो करो, बुक तो शेयर करो, 22 23 से खुद से करना, ठीक है? ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे साइन पावर एनएक्स का तो डिफेंसिस निकाल चुका ना हम लोग, हाँ, तो बस पहले निकाल के रख लेना और फिर बाद में वी बाई यू रू लगा देना, समझ रहा है? हाँ कितना समझ रहा, तुम लोग ही जानता है। समझ तो हो रहा है, अभी तो आप बताया रहे हो, हम बताता है कि आप बताया, चल लास्ट, ये पहले नंबर ट्वेंटी, अभी पहले नंबर 24 देखता है, 24 देखता है, 24 बताओ क्या है, यू ही लगा दो, फिर भी कर लेते हैं, बताओ। क्या दिया बताओ, देखना पड़ेगा, शेयर तो करो, हम स्क्रीनशॉट लेके फिर आपको बताते हैं। फिर आरु कम बता रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और एक टर्म था, पी प्लस क्यू कॉस एक्स, ठीक है? इक्वल टू, देखो पहले क्या होगा ये और फिर उसका डिफरेंशिएशन, हम साइन को सिंपली एक्स लिख रहे हैं, ठीक है? प्लस ये लिखने के बाद पहला वाला टर्म का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? हम साइन को सिंपली एक बार एस लिख रहा है, ठीक है? हेलो हेलो, हाँ भैया, साइन को सिंपली एक्स लिख हाँ रहा हाँ भैया, है। अब जो पी कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया, और क्यू बाहर आके कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है? माइनस साइन, हाँ, पी प्लस क्यू सी, क्यू कांस्टेंट, पी कांस्टेंट हो गया, क्यू बाहर आ गया, माइनस साइन हो ये गया, अब इसका इसका डिफरेंशिएशन होगा। ए कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स, मतलब ट्वाइस ए टू एक्स, एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कोई प्रॉब्लम? ठीक नहीं, ठीक, है, इसको इतना ही बने, हमको नहीं लगता मल्टीप्लाई करके कोई फायदा है। अच्छा यार, तो इतना भी छोड़ सकते हैं इसको, हाँ, क्यों मल्टीप्लाई करके कुछ सोल्यूशन आने वाला है नहीं, बस अच्छा ये ठीक बाहर करना, देखो क्यू साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस पी प्लस क्यू सी इंटू टू आइस ए एक्स प्लस सी, खत्म। आएगा आएगा, सॉल्व करो एक बार, आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये माइनस आ जाएगा ना, ठीक है, आएगा। रुको, ये है, क्यू तैयारी साइन, अंदर अलग ही देखो मोटिवेशन जा रहा है, क्यू साइन इंटू साइन क्या होता है, क्यू साइन स्क्वायर होता है, क्यू कॉस इंटू क्यू कॉस, क्यू कॉस स्क्वायर होगा, क्यू कॉमन आ जाएगा, कट वन हो जाएगा, ये करना सॉल्व, ठीक है? ये करना, आएगा, ये खुद से करना, हम बस मेथड बता दिया। 25 देखो, जैसा आप सेम बोलो, कहानी है, खुद से कर लेगा, दिखाओ तो सही, यू वी इंटू यू सेम कहानी है बस। हाँ और 26 भी सेम कहानी है। अच्छा, कॉस पाई हाँ बाई फोर का हेलो, वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई बाई फोर पाई होगा 180, तो 5 बाई180 फोर नाइन 45 थ्री होता फोर्टी है, फाइव 1/√2, हाँ तो 1/√2 तो कॉन्स्टेंट हो किसी बाहर आ गया ना, हाँ तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, तो वही वी बाई यू लगा दो सीधा। हाँ ये हम लोग एग्जाम्पल में क्या सिमिलर क्वेश्चन है, ये वी यू वी रू लगाना, ये हम बता देते। देखो 30 ये अभी तक कर रहा है, मतलब जो साइन एक्स जो का साइन एन एक्स का जो वैल्यू आया हाँ उसको नीचे डाल दो, पहले वो साइन एन एक्स अलग से हाँ निकाल, पहले साइन पावर एन एक्स का निकाल लेगा हम लोग, क्या निकालेगा? हाँ फिर उसको नीचे डाल दो, हाँ, तो ये क्या निकला था हम लोग का, के साइन क्या पावर निकला के माइनस वन एक्स डॉट कॉस एक्स, यही होगा ना, भैया, दिखने का देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई साइन पावर एक्स एन एक्स इक्वल टू, के का जगह एन आएगा, सॉरी, वी बाई यू रूल, मतलब साइन स्क्वायर, मतलब साइन पावर टू एन बन गया, इधर साइन पावर एन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस हाँ एक्स प्लस बोले माइनस एक्स इंटू साइन पावर एन एक्स का डिड्यूस करता है, डिफरेंशिएशन, कोई प्रॉब्लम? नहीं बस बैठाना है, फिर कॉमन लेगा, कुछ ना कुछ कटेगा। साइन पावर ठीक है, टू एन बहुत गलत एक्स, एप्लीकेशन आ जाएगा इसका, अब देखो साइन पावर एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन वन होता है, माइनस एक्स इंटू, ये क्या बनेगा, एन साइन पावर एन माइनस वन इंटू कॉस, कोई प्रॉब्लम? नहीं अब साइन पावर एन और साइन पावर एन माइनस वन में साइन पावर एन कॉमन आएगा, हाँ या ना? ये कॉस कहाँ से आ गया, एक सेकंड, अरे ये कॉस फॉर्मूला कहाँ से आ ही, गया, ये तो डिफरेंशिएशन था, ऊपर देखो। हाँ हाँ हाँ
अब क्या बनेगा, ये साइन पावर एन का याद रख लेना, कहीं एमसीक्यू में डालना था किसी जगह, ठीक है? मतलब साइन पावर फाइव डालेगा तो तुम सीधा फॉर्मूला बिठाओ। तो फॉर्मूला ऐसे था ना, साइन पावर जो भी हो, मान लो साइन पावर फोर है तो क्या होगा, फोर साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, खत्म, ठीक है ना। 12 में इसका इजी मेथड मिल जाएगा, टेंथ से मत होता है, 12 में इसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी हम वो बताना नहीं चाहता हूँ, बेकार का ताम झाम है। 12 में मिल जाएगा इसका मेथड। अब तो इसमें साइन पावर एन कॉमन आएगा तो बचेगा वन माइनस एन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन पावर टू एन एक्स, ठीक है। अब ये और ये कटेगा तो डिवाइड में माइनस होता है तो क्या बचेगा, टू एन माइनस एन साइन पावर एन एक्स, कोई प्रॉब्लम, साइन पावर एन एक्स और ऊपर बचेगा वन माइनस एन एक्स साइन कॉस, यही आंसर है, चेक करो। और बाकी जो होमवर्क दिया तुम लोग ट्राई करना, नहीं सकेगा तो हम करवा देगा, ऐसा नहीं जब नहीं करवाएगा, बस वो डायरेक्टली वी बाई यू रूल है इसलिए हम तुम लोग को करने दिया है, और कुछ नहीं है। डन, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू हुआ भैया? नेक्स्ट या तो परमुटेशन या तो कोऑर्डिनेट, देख लेते हैं। परमुटेशन ही करवा देगा। तुम्हारा एग्जाम कितना तारीख से है? कौन सा एग्जाम? हाफ ईयरली, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। एक सेकंड अभी तो हम खोल के रखते हैं, एक सेकंड रुको खाली, बस एक सेकंड।